दही बड़े की पोयम सबको याद हो गई है ना? याद हो गई है। उसी की तरह अगर हमें दही बड़ा ना बना के रोटी बनाना हो तो वही कविता को हम कैसे कहेंगे? ठीक है, इसके लिए आपको आधी लाइन दी हुई है, आधी आपको खुद जोड़नी है। ठीक, यानी खाली जगह भरना है, लेकिन आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि हमें रोटी बनानी है, दही बड़ा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया? चलिए बारी बारी से एक एक लाइन कंप्लीट करिए। पहले खेत खुदाऊं मैं, फिर क्या उसमें बोएंगे रोटी बनाने के लिए? गेहूं। हाँ, तो गेहूं उगाएंगे ना। हाँ, गुड। उसमें उसी लाइन के सामने रहे बेटा, नीचे ना आए। उसमें गेहूं, वेरी गुड। उसमें गेहूं उगाऊं मैं, ठीक है, क्योंकि रोटी बनाने के लिए हमें किस अन्न की जरूरत पड़ती है? गेहूं की। फिर उसके बाद घर लाऊं मैं, क्या करके घर लाऊंगा? हाँ, उसे काट घर, गुड। उसे काट, बहुत अच्छा। उसे काट, ठीक हो गया। रखवाऊं मैं, कैसे रखवाऊंगा? छान पटक रखवाऊं मैं। अब जिसका गलत है वह लोग अपना सही करते रहेंगे। पिसवाऊं मैं, कैसे पिसवाएंगे? हाँ, चक्की पिसवाऊं मैं, वेरी गुड। चक्की, अब इसके बाद कोई और भर दे। चक्की पिसवाऊं मैं, हाँ फिर चक्की में पिसवाऊं। चलो आगे नेक्स्ट, आ जाओ देव, दे दो किसी और को। चलो बेटा, बनाऊं मैं, फिर क्या करेंगे उसको? उसके भी टिकिए गोल गोल बनते हैं, रोटी बनाने से पहले गोली बनाई जाती है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे टिकिए गोल बनाऊं मैं। जिसका गलत है वह मिटा के सही कर ले अपना। टिकिए गोल बनाऊं मैं, फिर दिया है बेलवाऊं मैं। कैसे बेलवाएंगे? बेलन से। रोटी कैसे बनती है? मम्मी रोटी किससे बनाती है भाई? हाँ, बेलन से बेलवाऊं मैं, वेरी गुड। यही आप लोगों को नहीं आ रहा था। अब सिखवाएंगे कैसे उसको? बेलन से बेलवाऊं मैं, बनवा कर सिखवाऊं, क्योंकि उसको तलवाते तो नहीं है, रोटी तली जाती है नहीं। हाँ, बनवा कर सिखवाऊं मैं, या बना कर सिखाऊं मैं, सिखवाऊं मैं, बनवा कर सिखवाऊं मैं। बनवा कर सिखवाऊं मैं, हाँ फिर लास्ट में खिलाएंगे कैसे रोटी? भाई खड़ी खाते हैं, तोड़ तोड़ खिलवाऊं मैं, या खिलाऊं उसे, तोड़ खिलवाऊं मैं। इतनी मेहनत होती है रोटी बनने में भाई, होती है कि नहीं? और कितनी रोटी खाते हैं आप लोग? दो। चलो सब लोग इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी पे भर लो, बुक में भी भर लो, बुक में दिया है ना, पेंसिल से भर लो और कॉपी पे भी नोट कर लो।